जियो के लॉन्च होने के बाद इंडिया के अंदर बड़ी कंपनी जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल सभी के सब्सक्राइबर उसमें कमी आने लगी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले लगातार 4 महीने से एयरटेल ने जियो को पछाड़ा है, और वोडाफोन आइडिया की अगर बात करते हैं तो उनके सब्सक्राइबर या आप कह सकते हैं कि उनके कस्टमर्स में लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि उनके सेवाओं में कुछ स्थिति सही नहीं बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि एयरटेल की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि दोबारा से वो इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म बन के आए, और इसके लिए एयरटेल काफी टाइम से प्रयासरत है। एयरटेल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करता है, लेकिन एयरटेल के द्वारा इंडियन मार्केट को सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हुए कुछ समय से कुछ काम अलग किए जा रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट बात यह बता दें कि नवंबर महीने का ये रिपोर्ट सामने निकल के आया है जहां पे 40 लाख के आसपास नए यूजर्स को एयरटेल के द्वारा ऐड किए गए हैं। वहीं पे रिलायंस जो कि अगर बात करते हैं तो लगभग 20 लाख लोगों को ऐड किया गया है। 30 लाख कस्टमर्स को वोडाफोन आइडिया ने लॉस किया है। वहीं पे एमटीएनएल ने लगभग 6000 लोगों को अपने मोबाइल कनेक्शन से जो सेवा लेते थे उनसे वंचित होना पड़ा उनको। बीएसएनएल की बात करते हैं तो नंबर्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी ये माना जा सकता है कि बीएसएनएल निगेटिव ग्रोथ नहीं करते हुए 556 नए कस्टमर्स को ऐड कर रहा है। आपको ये बता दें कि बीएसएनएल के पास आज भी 4G सेवाएं नहीं है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एयरटेल के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से रिलायंस जियो को पीछे किया जाए, और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए एयरटेल के द्वारा 5G के लिए एक टेस्टिंग की गई हैदराबाद के अंदर, जहां पे स्पीड के बारे में बताया गया कि स्पीड जो होगा 10x होगा, जो कंकरेंसी होगी 100x होगी, और लेटेंसी जो है उसको कम किया जाएगा 10x से। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जियो की तरफ से बोला गया था पिछले कुछ समय पहले कि 2021 के सेकेंड हाफ में आपको 5G की सेवाएं जियो देना शुरू कर देगा। वैसे तो 5G के जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होने हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं किए गए हैं, लेकिन फिलहाल 1800 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर जो कि 4G का कमर्शियल एक आप कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम या बैंडविड्थ है, उसी के ऊपर 5G के टेस्टिंग किए गए हैं, और उसके आप स्कोर्स देखिए आपके स्क्रीन पे हैं जो कि काफी अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार की स्पीड अगर हम सभी को मिलती है 5G के अंदर, जो पैसा हम दे रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत इजाफा करके, तो हमारे लिए वो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पैसे के अंदर 25-30% की बढ़ोतरी हो जाती है और इस तरीके की स्पीड दी जाती है तो मैं कहूंगा ठीक ठाक एक तरीके से आप लोगों के ऊपर बोझ पड़ सकता है 5G के आने के बाद। लेकिन 4G की जो रियल स्पीड है 16 Mbps की, वो भी हमें अभी नहीं मिल रही है। इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, 5G आने वाला है। हो सकता है कि 5G आने के बाद कुछ स्थिति सुधरे इंडिया के अंदर, और इसके अलावा जो कॉल ड्रॉप की समस्या है उसके अंदर भी कुछ सुधार हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 5G की, जो कि एयरटेल की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जियो इनसे आगे ना निकले, और जैसे कि जियो के द्वारा एक हैंडसेट लाने की बात की जा रही है, वैसे ही एयरटेल भी अपने इंडियन काउंटर पार्ट जैसे कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, इन सब से बात कर रहा है, और हो सकता है कि एयरटेल के 5G फोन भी आपको देखने को मिले, या फिर 4G फोन पहले देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को 5G फोन देखने को मिल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है क्योंकि एयरटेल के पिछले क्वार्टर का अगर रिपोर्ट देखते हैं आप तो 854 करोड़ रुपीज उनको मुनाफा हुआ है, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं उनके ARPU के बारे में, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कि एक यूजर से उनको कितना पैसा मिलता है, तो 166 रुपीज मिलता है। और इस तरीके से अगर आप कंपेयर करते हैं एयरटेल को जियो से, तो जियो से काफी बढ़िया तरीके से ARPU में एयरटेल आगे निकल के सामने आ रहा है। इसके साथ साथ एयरटेल के अंदर जो कस्टमर्स के एक्टिवनेस है वो जियो से बहुत ज्यादा है। जियो का तो वैसे ARPU 151 है, लेकिन टोटल रेवेन्यू भी अगर आप जनरेशन देखेंगे तो भारतीय एयरटेल का आपको ज्यादा देखते हुए नजर आएगा। दोस्तों आने वाले समय के अंदर 5G लॉन्च होने के बाद हो सकता है कि इंडिया के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से फिर से परिवर्तन हो, और ये भी हो सकता है कि जो आज की डेट में डिजिटल मार्केट इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इससे डबल तेजी में मार्केट ग्रो करे। लेकिन ये तो बात आने वाले समय में मालूम चलेगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों से याद करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आने वाले समय के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन टेलीकॉम से रिलेटेड हो, मोबाइल से रिलेटेड हो, या फिर रिलेटेड हो DTH से, सभी के बारे में आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा सबसे पहले। थैंक यू सो मच देखने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।